वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत अहम मशावरती इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा, अटारनी जनरल, मशीरे कानून, आईनी और कानूनी माहरीन ने शिरकत की। ज़राए बताते हैं कि नवाज शरीफ को JIT की रिपोर्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि JIT रिपोर्ट को चैलेंज किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से जल्द दरख्वास्त दायर करेगी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म के खिलाफ JIT की तहकीक को चैलेंज किया जाएगा। हुकूमत JIT के मैंडेट पर भी सवाल उठाएगी। इस मौका पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने दिलचस्प तबसरा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ट्राली पर सबूतों के डब्बे लाए गए हैं। इन पर लिखा भी हुआ था कि ये सबूत हैं। फिर भी हमसे कहते हैं कि हमने सबूत नहीं दिए। वजीर आजम का कहना था कि आईन और कानून के मुताबिक मुकदमा लड़ेंगे। JIT को तमाम सबूत दे दिए, अब सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। इस मौका पर वफाकी वज़रा ने सियासी मुखालफिन के खिलाफ भरपूर जवाब देने का मशवरा भी दिया।